हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे, अनायक आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो उसने बोला कि भाई मैं फ्राइडे को मेरे स्कूल की छुट्टी होगी, तो आप मुझे कोई जंक फूड दे नहीं पाओगे, तो आज आप मेरे लिए राजमा चावल बना दो। तो राजमा चावल जंक फूड तो नहीं है, लेकिन उसका बहुत मन था राजमा चावल खाने का, तो उसने मुझे कल रात को ही बोल दिया था कि राजमा भिगो दो। तो वह मैंने भिगो दिए थे और साथ साथ मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए थे। चावल बनने भी वाले थे और राजमा बॉयल हो चुके हैं, उसकी गैस मैं ऑलरेडी बंद कर चुकी हूँ और यहाँ पे प्याज टमाटर का मसाला रेडी हो रहा है। और प्याज को मैंने कम से कम मैंने 4 प्याज लिए थे। प्याज को जब मैंने 2 मिनट थोड़ा सा भून लिया था, तब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाला था। 4 लहसुन की कलियां ले ली थी और 2 हरी मिर्च थी शायद, और तो इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। और तब इसका वो पेस्ट जब बन गया तब मैंने डाला था। और अब प्याज को मैंने कम से कम 10-12 मिनट अच्छे से पहले भुना, तब जाके ऐसा कलर आया था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया, टमाटर की प्यूरी मतलब डाल दी थी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी 4 लिए थे। और मसालों में मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली थी, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला था। और मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया था 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून तो इसमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि मसाला थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि मैंने बाद में इसका पनीर भी बनाना है, जो थोड़ा सा मसाला बचेगा वो भी आप आगे देख सकते हो। और राजमा यहाँ पे मैंने कुकर खोल दिया और राजमा पूरी तरह से बॉयल हो चुके थे। मैंने भगवान जी के लिए भी अलग निकाल के रख दिया ताकि वो मिक्स ना हो जाए गलती से, फिर मेरे से गलती ना हो जाए। और यहाँ चावल एकदम रेडी हो चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दी थी और अब मसाला मैं राजमा में डाल दूंगी और 5 मिनट्स इसको हार्डली और करूंगी अच्छे से। और इसमें ना नमक हल्का सा मुझे डाउट था कि कम होएगा, तो मैंने नमक अपनी तरफ से और डाल दिया था, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा टेस्ट करूंगी तब भी हल्का सा नमक कम ही था। और पानी मैंने राजमा में डाला है क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचा था बिल्कुल। तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया और अब मैं इसको 5 to 7 मिनट्स अच्छे से बॉईल करूँगी। तो आप देख सकते हो जो मसाला बचा है वो मैंने उसको अभी साइड पे रख दिया था क्योंकि मेरे को वो पनीर के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देखा था, मुझे हल्का नमक कम लगा और हल्के हल्के फिर मैंने नमक के साथ कुछ कुछ मसाले और डाल दिए थे। ज़रा सा नमक और डाला था और इसमें मैंने धनिया पाउडर बिल्कुल ज़रा सा 1/4 टीस्पून डाला होगा, और गरम मसाला भी मैंने ज़रा सा डाला बिल्कुल चुटकी भर, और लाल मिर्च डाली है 1/4 टीस्पून। और अब मैं इसको 5 मिनट्स अच्छे से चला लूँगी और इसके बाद बस राजमा तो रेडी हो ही गए हैं, चावल भी रेडी हैं, बस मैं अनाया की प्लेट में डाल के रख दूँगी माइक्रोवेव के अंदर। और जब अनाया का स्कूल जाने का टाइम होएगा तब मैं दोबारा से इसको गर्म करके इसके लंच बॉक्स में डालूँगी। तो अनाया और मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। तो ये देखो चावल इतने गर्म है इसलिए अभी ये जल्दी से ठंडे भी नहीं होंगे, तो लेकिन फिर भी मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी। और राजमा रेडी हो चुके थे, मैंने गैस बंद कर दी थी, चाय भी रेडी हो गई है, बस अभी चाय भी डाल दूंगी अनाया और अपनी। तो गाइज अनाया का तो लंच रेडी हो चुका है, बस अब पैक कर रही हूँ और अनाया भी रेडी है। ये रही अनाया, बस अभी जा रही है। गुड मॉर्निंग। और अभी स्कूल जा रही है। गाइज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना लंच खा लूं। इसने आज जिद करके कल बोल दिया था कि राजमा चावल खाऊंगी, तो मैंने फटाफट सुबह उठ के रेडी भी कर दिया राजमा चावल। टाइम ही कितना लगता है बनने में। तो बस अब ये स्कूल जा रही है। तो गाइस अनाया तो स्कूल जा चुकी है और मैं अब अपना बैठ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, मुझे भूख लग रही थी। और आपको पता है क्या, राजमा चावल देख के मेरे मुंह में पानी आ गया था, तो मैंने सोचा 2 चम्मच टेस्ट तो कर लूँ एटलीस्ट, फिर मैंने बाउल में ज़रा से डाले और खा लिए। 2 चम्मच ही खाए हैं, ज़्यादा नहीं खाया अभी। मेन तो मैं आफ्टरनून में खाऊँगी लंच में। और यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ चाय और ये 1/2 बन ले रही हूँ, मीठा बन होता है ये, और थोड़े से ये पफ कॉर्न और जो नया को दिया था ना बॉक्स में वही है ये सब। तो मैं भी यही सेम चीज़ खा रही हूँ, नया को भी यही दिया। अब आज मैं फ्री हूँ, आज नया को पढ़ाना भी नहीं है
और अनाया ने भी नहीं पढ़ाई करनी आज, तो आएगी घर एकदम फ्री रहेगी आज तो। तो मैं तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और जब अनाया को नीचे छोड़ने चली गई थी ना अभी स्कूल के लिए, जब वो जाने लगी थी स्कूल के लिए, तो आके मैंने अपनी पूजा भी कर ली थी, पूजा भी मेरी हो चुकी है। तो उसके बाद ही मैं बैठी हुई नाश्ता करने के लिए। और अब टाइम हो रहा है 8:25, मन्नू आने वाले हैं, तो देखो क्या पनीर उनको बोला है। आज पिज़्ज़ा खाएंगे हम, तो वो मोज़रेला चीज़ और पनीर और पता नहीं क्या लेने गए हैं। अब ये दो चीज़ें तो लेकर आएंगे, बाकी लेट्स सी, और शायद कॉर्न्स भी लेकर आए अगर मिल गए तो। जिस तरीके से मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ उस तरह वो वाला मेथड आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो दोपहर को बनाऊँगी जब मतलब अनाया आने वाली होगी, तभी एकदम फ्रेश बनाऊँगी पिज़्ज़ा। तो चलो मैं अपना पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस मनु आ चुके हैं और वो सामान लेकर आ गए हैं। ये है कॉर्न्स का पैकेट, बहुत पसंद है हम सबको कॉर्न्स, अनाया को के फेवरेट है कॉर्न्स। तो अब मैं इसको बना के इसको खिलाऊंगी किसी दिन। तो आज हम जैसे पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो हम पनीर पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, तो साथ में ये कॉर्न्स भी डाल लेंगे थोड़े से। इस बार मनु लेकर आए मदर डेयरी का चीज़, पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा, हम तो हमेशा वो वाला खाते हैं मोज़रेला चीज़ जो होता है, इस बार मदर डेयरी का टेस्ट करके देखते हैं। और ये है पनीर, तो इस पनीर को मैं धो के टोंगे में डाल लूँगी। पनीर मैंने वॉश कर दिया, अब इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। इसको ढक दूंगी। तो ये पनीर में मैंने पानी डाल दिया, पीने वाला पानी डाला है। तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं बचपन में अपने लंच बॉक्स में लेके जाया करती थी, एक वो रेसिपी जो मेरी मम्मी शुरू से बनाती आई हैं, नर्सरी क्लास से मैं इसको खाती आई हूँ। और यही पैटीज बना के मैंने जब अपने इन लॉज में सबको खिलाई तो सबको बहुत अच्छी लगी, और इतनी अच्छी कि मतलब इसको तुम ठंडा भी खा सकते हो गरम, लेकिन अगर इसको ठंडा होके खाओ ना, ठंडा करके इसको खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और बहुत ईजी रेसिपी है इसकी, कोई भी बना सकता है इसको। जैसे दो ब्रेड ली, तो एक ब्रेड पे 2 चम्मच भर के मलाई डाल दो, फ्रेश मलाई होनी चाहिए, और 2 चम्मच भर के चीनी डाल दो, और कुछ भी नहीं डालना, बस उसको फिर टोस्ट कर दो। हल्का हल्का घी लगा के 5 to 7 मिनट्स में अच्छे से टोस्ट हो जाएगा और आपकी पैटीज एकदम रेडी हो जाएगी। और बिलीव मी गाइस, ये इतनी टेस्टी बनती है कि स्कूल में बच्चे इतना लाइक करेंगे ना इसको, और ठंडी करके तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। प्लीज़ एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप किसी को भी दो, बहुत टेस्टी लगेगी। कभी रास्ते में आपको कहीं जाना है, ट्रिप पे जाना है, तो इसको पैक करके ले जाओ, बिलीव मी बहुत ही यम लगती है। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब थोड़ी लिमिटेड हो गई है, अब ज़्यादा नहीं बनाती, लिमिटेड बनाती हूँ ये वाली पैटीज़। तो यहाँ पैटीज़ हो चुकी है रेडी। गाइस मैंने यहाँ ना कॉर्न्स बॉयल करने के लिए रख दी है ताकि बिल्कुल भी कच्चे कच्चे फील ना हो। तो बस ये बस होने वाला है, हो गया इसको 10 मिनट्स मैंने रखा हुआ, 10 मिनट से बॉईल हो रहा है, 5 मिनट्स और बॉईल करूँगी, पानी इसका सूख जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको ढक के रख दूँगी। और इतने फिर मैं पिज़्ज़ा की तैयारी करके जितनी भी वो वेजिटेबल्स डालती हूँ, जैसे टोमेटो, अनियन और कैप्सिकम, ये सब काट के मैं पहले ही रेडी रखूँगी। तो गाइज अब मैं पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने चीज़ को यहाँ पे श्रेड कर लिया है और ये पनीर के पीसेस काट के रख लिए, और ये मैंने बस थोड़ा सा ही पनीर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, 1 पाव के करीब होगा। ये है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 2 शिमला मिर्च और 1 टमाटर। टमाटर के अंदर के सारे बीज वीज हटा दिए थे मैंने। और ये है पिज़्ज़ा बेस, ओ सॉरी पास्ता पिज़्ज़ा सॉस, ये रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, ठीक है। और ये चीज़ मेरे पास पहले का भी था श्रेड किया हुआ, तो मैं पहले इसको यूज़ करूँगी। और जो पिज़्ज़ा बेस ये लेकर आए हैं ना, ये है इंग्लिश ओवन पिज़्ज़ा बेस, अच्छा होता है ये भी, सही है। तो चलो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ,
अब आप देखते रहना कि मैं कैसे बनाती हूँ भी। और गाइस अनाया से भी मिल लो, अनाया घर आ चुकी है, बहुत भूख लगी थी। अब ये फिर से राजमा चावल की एक और शिफ्ट इसकी चल रही है, लेकिन हाँ राजमा चावल मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। जब हम छोटे होते थे ना और राजमा चावल मम्मी बनाती थी, तो पता नहीं शायद चार चार पांच पांच बार तो हम शिफ्ट हमारी राजमा चावल की चल जाती थी। जब मन करता था बाउल में लिया और खा लिया, एक्स्ट्रा बनवाते थे मम्मी से हमेशा। मतलब मैं तो, मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और मैं भी ऐसे करूँगी। और चाहे फिर वो ठंडा ही हो, मैं तो ठंडा भी खा जाती थी। हाँ, स्कूल में जैसे होता है ना। तो राजमा चावल तो मेरे सच में बहुत फेवरेट है, और अनाया के भी। तो ये खा रही है राजमा चावल और साथ में देख रही है आयु पीहू शो, आयु एंड पीहू शो देख रही है। तो चलो अब मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। मैंने ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाला था, ज़रा सी हल्दी डाली थी, और इसमें जो पनीर के पीसेस काट के रखे थे वो डाल दिए। और इसको हल्का सा मैं चला लूँगी एक बार, और बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर नमक भी डाल दूँगी बस। और उसके बाद इसको प्लेट में निकाल के रख दूँगी। अब जब पनीर निकाल दूँगी तो इसी कढ़ाई में मैं प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जो है काटी थी वो इसमें ही हल्का सा मैं भून लूँगी। तो आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी ऑलिव ऑयल बचा हुआ है, थोड़ा सा ही यूज़ होता है पनीर के लिए। तो इसी ऑयल के अंदर मैं ये टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च को हल्का सा भून लूँगी, अलग से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल 2 to 3 मिनट्स तक मैं इसको पकाऊंगी और ढक के रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए। और इसके अंदर मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून नमक डाला था, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और बिल्कुल ज़रा सा धनिया पाउडर, और ज़रा सी हल्दी। ये हल्के हल्के मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं इस मेथड से बनाती हूँ काफ़ी टाइम से। और बस इसके अंदर मैं कॉर्न्स डाल दूँगी, अराउंड 4 टीस्पून मैंने कॉर्न्स डाले थे, बॉइल्ड कॉर्न्स। और बस ये सब रेडी हो चुका है। अभी इसको, चीज़ को मैंने मेल्ट करना है। जिस प्लेट में मैंने चीज़ को श्रेड किया था ना, उसको ही मैं इस सब्ज़ी को मैं ढक दूँगी उसी प्लेट से। तो जिससे क्या होगा, 2 to 3 मिनट्स जो मैंने इस सब्ज़ी को पकाना है वो पक भी जाएगी, चीज़ जो है वो भी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि भाई पिज़्ज़ा बनने में जो ऊपर नीचे से तो पिज़्ज़ा बन जाता है, लेकिन ऊपर से पिज़्ज़ा को बनने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। मैं माइक्रोवेव में या फिर तंदूरी मेकर में नहीं बना रही, आज मैं थोड़ा जल्दबाजी वाला बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पास्ता पिज़्ज़ा सॉस जो है वो स्प्रेड इस पर कर रही थी पूरा पिज़्ज़ा बेस पे। तो अनाया आ गई थी, वो कह रही थी मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है आओ और करो। तो इसी बहाने बच्चे सीखते हैं और उनको आदत बनी रहनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये जो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का वो बनाया था ना मटेरियल तैयार किया था, वो सब इसके ऊपर मैंने लगा दिया, और पनीर भी रख दिया पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, और ये रेडी हो चुका है। तो बस अब मैं इसको कढ़ाई में रख दूँगी। कढ़ाई में सिर्फ ज़रा सा ही ऑलिव ऑयल डाला था मैंने, और उसके ऊपर फिर ये पिज़्ज़ा बेस रख दिया था। तो बनने में टाइम ज़रूर लगा, लेकिन अच्छा बना था। हाँ, लेकिन चीज़ नहीं मेल्ट हुआ, जिसकी मैंने बहुत ट्राई करी, कढ़ाई को उल्टा करके भी ट्राई करी, अभी आप आगे देखना। तो नहीं, चीज़ मेल्ट ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, और खाने में थोड़ा सा टाइट भी था। तो मेरा एक्सपीरियंस मदर डेरी चीज़ का बिल्कुल बेकार निकला। तो ये अब पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, और ये मटेरियल थोड़ा सा बच गया था। अब अनाया और मैं इसको नेक्स्ट डे ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं, और जैसे हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगाते हैं इस मटेरियल को, वैसे ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। और साथ साथ मैं पनीर की सब्ज़ी भी रेडी कर रही थी रात के लिए, क्योंकि नीचे मम्मी पापा के लिए मैंने आलू घिया की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मन्नु और अनाया नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए पनीर की सब्ज़ी बना दी थी। और दोपहर का टाइम हो रहा था ये, अनाया स्कूल से आ चुकी थी, अराउंड शायद ये टाइम हो रहा था 3 o'clock का, 3:15 ऐसी कुछ हो रहा था टाइम। तो मैंने फटाफट से पनीर की सब्ज़ी भी साथ साथ रेडी कर दी, पिज़्ज़ा भी रेडी कर दिया, और लंच में अनाया और मैंने पिज़्ज़ा खाया, मनु ने इवनिंग स्नैक्स में पिज़्ज़ा खाया, और नीचे मम्मी पापा को भी दे दिया था। और देखो मैं इसको ना कढ़ाई को उल्टा करके भी कर रही थी, किसी तरीके से चीज़ मेल्ट हो जाए, बट मेल्ट होने का तो नाम ही नहीं लिया चीज़ ने तो। और बस, और वहाँ पनीर की सब्ज़ी में मैंने थोड़े बहुत मसाले डाले,
वैसे तो मसाले जो टमाटर प्याज का था उसमें ऑलरेडी मसाले डले हुए हैं, लेकिन अब जैसे पनीर के पीसेस डालूंगी तो मसाले को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत डालना पड़ता है। और साथ में मैंने पनीर, शाही पनीर मसाला भी डाला था और थोड़ी सी चीनी, जिससे कि टेस्ट पनीर का अच्छा आ जाए। अच्छा, मैं कोई भी पनीर बनाऊंगी ना, तो अब एक कोई कढ़ाई पनीर हो गया, कोई बटर बटर पनीर हो गया, बटर मसाला पनीर, शाही पनीर इस टाइप का, और पनीर कोरमा, पनीर की भुर्जी। और अगर मैं कोई वैसा ही नॉर्मल पनीर बनाऊंगी तो अनाया ने उसका नाम रखा हुआ है ऐसे ही वाला पनीर, ऐसे वाला पनीर। मैंने कहा तो नॉर्मल सब्जी का नाम बोल देना, पनीर की सब्जी बस। तो कहती नहीं, मैं तो ऐसे वाला पनीर बोलूँगी, ऐसे ही वाला पनीर। तो वो मजाक करती रहती है। तो ये देखो चीज़ बिल्कुल मेल्ट नहीं हुआ, तो एक पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था। तो अब ज़रा सा देखो, आप मैंने डाल के दिखाया आपको, ऑलिव ऑयल बिल्कुल ज़रा सा ही डाला है मैंने, 1 टीस्पून के अराउंड। और अब दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर लूँगी। तो ये प्लेट में 5 मिनट से पड़ा रहा, 10 मिनट से, तो इसलिए चिपक गया था ये प्लेट के ऊपर, पता नहीं कैसे। और अब ये दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाएगा, और उधर मेरी पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, उसे मैं अपना डाल के रख दूँगी डोंगे में। ये देखो कितनी टेम्पटिंग बनी है। तो जब भी कोई ऐसे मसाला बचता है तो या तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, या कोई जैसे मिक्स दाल होगी वो बना लेती हूँ जो टेस्टी लगे, और या फिर न्यूट्रेला बना लेती हूँ। मुझे न्यूट्रेला भी अच्छा लगता है, ऐसे टमाटर प्याज का जो मसाला बचता है ना, उसका न्यूट्रेला बहुत टेस्टी बनता है। तो अब मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी और शाही पनीर भी रेडी। अच्छा हाँ, ये कॉर्न्स बच गए थे, तो अब अनाया और मैं कल कॉर्न्स खाएंगे नींबू वगैरह डाल के, तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा कट कर दिए थे बहुत छोटे छोटे पीसेज में, और ना ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स सब ने अपने अपने पिज़्ज़ा में अपने अकॉर्डिंगली डाला था। तो यहाँ पिज़्ज़ा रेडी हो गया, बहुत टेस्टी था। तो अनाया ने तो पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट भी कर दिया। अनाया कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा आपको? बहुत यम्मी है। अनाया को तो बहुत अच्छा लगा। अब मैंने भी अपना डाल लिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने साथ इसमें में बहुत लूंगी। सारी चीज डाली थी। ये मैंने अपना भी डाल दिया, छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 4 पीसेस हो गए, वैसे 2 पीस बन रहे हैं। और साथ में डाइट कोक, साथ में लेंगे। तो मैं भी अपना खा लेती हूँ, और मन्नू को भी दे दिया, नीचे मम्मी को भी दिया ही। पापा इतना नहीं लाइक करते पिज़्ज़ा, तो बस मम्मी, मन्नू, मैं और अनाया इन्जॉय कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। तो चलो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमने दोनों ने पिज़्ज़ा खा लिया, और तो पिज़्ज़ा तो वैसे तो बहुत टेस्टी बना था, लेकिन एक माइनस पॉइंट उसका ये था कि जो हमने चीज़ यूज़ किया है वो था मदर डेरी का, और वो मेल्ट नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने पर भी वो मेल्ट नहीं हुआ बस, और खाने में भी फ़र्क था टेस्ट में। अब मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत बेकार निकला मदर डेयरी चीज़ का, लेकिन अनाया को पता नहीं क्यों अच्छा लगा। मेरे को बहुत अनाया अच्छा के लिए लगा। बहुत टेस्टी था, लेकिन मुझे चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे पिज़्ज़ा टेस्टी था, तो नेक्स्ट टाइम मोज़रेला चीज़ ही आएगा, और तभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी पिज़्ज़ा की। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट। तो अनाया, अब आप भी बाय बोलो सबको। तो बाय। अनाया बस अब आज थोड़ा सही, मतलब टीवी जैसे देखेगी ना तो उसको कोई टोकेगा नहीं, और अपना साथ साथ आर्ट वर्क भी करेगी, ड्राइंग करेगी, पेंटिंग करेगी, कुछ कुछ एक्टिविटीज अपनी करती और रहेगी। समय ओकेशन में इतनी सारी पेंटिंग बनाने वाली हूँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी बनाते हुए मतलब वीडियो भी बनाऊं तो तो हमें कमेंट कमेंट करके जरूर बताना। अनाया अच्छी पेंटिंग करती है, और ये स्केचिंग भी अच्छी करती है इसने, लेकिन छोड़ दी है। अब मैं आपको इसकी ना एक दिन स्केचिंग इसकी वीडियो आपके साथ शेयर, वीडियो कह रही हूँ, पिक इसकी शेयर करूँगी। थर्ड या फोर्थ क्लास में थी, इतनी अच्छी स्केचिंग करती थी, पता नहीं इसे क्या हुआ, 1 साल में इसने स्केचिंग करनी ही छोड़ दी है। तो मैंने इसको बोला अब आपको फिर से स्केचिंग स्टार्ट करनी है, और मैं आपके इसकी पिक्स दिखाऊंगी जो जो ये इसने स्केचिंग करी थी। तो चलो अब अनाया अपना टीवी देख रही है, और मैं एडिटिंग का काम करती हूँ, और आपसे कल मिलते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, बाय। बाय।